लो जी गेटअप देख के पता लग गया होगा कि प्लान ये हुआ भाई कि अभी चल रहे हैं राफ्टिंग पे। पापा का गेटअप भी देख लो भाई, साथ तीन टाइम करूंगा भाई। ये ड्रा ड्रा का मार दिया करते भाई, ये देखो राफ्ट आ रही है। देखो फाइनली अपनी भाई राफ्ट आ चुकी है। देखो चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी गाइस जल्दी आओ। पापा तो रेडी हो चुके हैं, देखो हमने देख रहे हो रैपिड ये वाला भाई, पलटने वाली है। बस पापा हमारा कैमरा रख दोगे, हम शूट कैसे करेंगे। हेलो जी, राम राम सभी को। वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम ऋषिकेश। ये लो पीछे देखो पहले, ए ले भाई। सो भाई सोच रहे हो यार कहाँ से मॉर्निंग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, है ना, और कहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यार मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, ये देखो भाई पीछे व्यू देखो, चेक करो पहले एक बार। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भाई यहाँ से। ये अपना रूम है भाई यहाँ पे, अभी ना क्या देखो स्वेटिंग हो गई दोबारा से। चलो कोई ना, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है भाई यहाँ से इसलिए हो रही है क्योंकि कल रात को ना सडन प्लान बना भाई, पापा ने बोला कि चलो घूमने चल रहे हैं। मैं कह रहा मजाक कर रहे होंगे भाई ऐसी, मैं तो अपना भाई काम वाम आया था। उसके बाद फिर बोले भाई शाम को यार घूमने चल रहे हैं। मैं कहा मजाक क्यों कर रहे हो भाई, बार पापा का ना ऐसा है यार, पापा कहीं जाते ना है, मतलब ऐसे सडन प्लान बना दें और एकदम से यहाँ पे लेके आना, तो यार वो थोड़ा ना अजीब सा था मेरे लिए क्योंकि यार बचपन से आज तक मैंने कभी ये चीज़ देखी ही नहीं। मैंने पापा को बोला वो पक्का चल रहे हैं क्या, कह रहे हैं चल रहे हैं, पैकिंग करो चल रहा है। मैं ठीक है चल रहे, तो फिर भाई तो सडन हम यहाँ पे आ गए। देखो तो रात को थोड़ा लेट आए थे तो इसलिए मैंने शूट वगैरह नहीं किया। मैं रात को क्या दिखाऊंगा, सुबह आप लोगों को बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा और सुबह आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये देखो भाई, तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। मैडम जी को देख रहे थे रेडी हुई है नहीं हुई, तो भाई वो लोग तो पहले से उठे हुए हैं, रेडी भी हो चुके हैं। मैं ही थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि यार मैं ड्राइव करके आया था पूरी रात, पता है जाम। ओ भाई लिटरली डेढ़ घंटा जाम में फंसे रहे हम। रेडी है पूरी तैयारी? एक चीज बताओ, सुनो मेरी बात, अकेले अकेले ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? अकेले अकेले ब्रेकफास्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया भाई, 6 बजे तो रेडी होकर बैठी है मैडम। मतलब उठाया भी नहीं कि उठ जाओ रेडी वेडी हो जाओ ना, मेरी मतलब इसलिए नहीं उठाया कि भाई नींद पूरी हो जाएगी आपकी। ज्यादा एक्साइटेड है भाई मैडम तो। चलो हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं थोड़े से, चलते फटाफट से भाई। राफ्टिंग का पूछ चल रहा है इसके, तैयार राफ्टिंग करनी, राफ्टिंग करनी, राफ्टिंग करनी। मैंने लगा डर भाई पानी था, तो भी वेरी ऑनेस्ट मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा। जाओगे इसे चाबी तो मेरे पास है, रख दो फटाफट रखो इसे साइड में रख दो। अभी शोर हो रहा है यार, इसलिए शूट नहीं कर पा रहा था मैं बहुत देर से ना शूट करना चाह रहा था बट मैं कर नहीं पा रहा था, तो मैं अंदर आके बात कर रहा हूँ आप लोग। ट्रैफिक देखो कितना भाई, पैप पैप लगी रहा है यहाँ तो। अभी छुट्टी वगैरह चल रही है ना सबकी, तो इसलिए थोड़ा मतलब क्राउड ज़्यादा है हर चीज़ में भाई। राफ्टिंग का तो इतना क्रेज़ है ना यहाँ पे, लिटरली बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है। तो गाइस अभी जो है प्लान हमारा ये है कि हम जा रहे हैं अभी नीलकंठ दर्शन करने के लिए, और उसके बाद देखेंगे राफ्टिंग करनी है या नहीं करनी, वो तो भाई पापा डिसाइड करेंगे। पापा को डिपेंड करता है कि कराएंगे हम या नहीं कराएंगे यार, थोड़ा पापा यू नो कि पापा हैं तो स्ट्रिक्ट होता ना थोड़े से, इसलिए। राफ्टिंग कराओगे आप? ना मैं ना करूंगा। आप नहीं करोगे, हम ही करा दोगे। कर लो है, कैमरे के सामने बोल रहे हो, वैसे पीछे से मना कर रहे थे नहीं करनी। कम कर लो, अब थोड़ा मना कर रहा हूं। अभी तो गाइस हम जा रहे हैं नीलकंठ, उसके बाद देखेंगे भाई राफ्टिंग का क्या सीन है क्या नहीं है। क्यों रोक रहे हो भाई? हाँ जी अच्छा एंट्री। फाइनली गाइस हमने गाड़ी पार्क कर दी है, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और मंदिर है थोड़ा आगे भाई, पार्किंग और की पूरी फुल। ये देखो हमने गाड़ी तो पीछे पार्क कर दी भाई, लाइन से लग रखी है देख रहे हो, जब यहाँ पे लाइन लग रही है तो आगे जाए तो और ज्यादा फुल होगी पार्किंग। तो पापा ने बोला कि पार्क कर दो, थोड़ा पैदल चल लेंगे। ले लिया जी है, कौन सा यंत्र लिया है आपने भाई? ये कोई यंत्र है, कौन सा यंत्र है? श्री संपूर्ण। इससे क्या होगा पता ना, बस लेने का मतलब था मुझे मेरा पता क्या होगा। और गाइस इस मंदिर की मान्यता ये है कि जिस टाइम पे भगवान शिव ने जो विष था वो यहाँ पे आके पिया था, ऐसे कुछ है ना है? ऐसे फालतू कुछ नहीं पता भाई मेरे को, मतलब इतना ही पता है बस। और मान्यता यही है कि भाई जो भी मांगो मनोकामना पूरी तो होती है। इस पार्किंग के बाद ना कुछ ऐसी लोकल मार्केट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे आपको ये सब मिल जाता है लेने के लिए भाई, लोअर्स वगैरह मिल जाते हैं। ले कोई लोअर, लोअर लोगे? हाँ, वो ड्रेस। सारा स्कैम भी होता भाई यहाँ पे, तो उस चीज से ही बचना थोड़ा। कौन सी है? संजीवनी बूटी। और वो क्या है? वो फल। अद्भुत अद्भुत चीजें मिला भाई यहाँ तो है, बड़ी विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें मिलती है। इस मंदिर की लाइन में आ चुके हैं, देखो लाइन यहीं से शुरू हो गई भाई, मंदिर तो ही बहुत दूर है। फाइनली दर्शन करके आ गए भाई, और पंडित जी ने टीका भी लगा दिया। देखो त्रिशूल बनाया, त्रिशूल देखो। आज से 3 साल पहले जब मैं मंदिर में आया था ना, तो भाई ये सब नहीं था, कवर नहीं करा हुआ था, ये सब कुछ क्लीन दिखता था आराम से। मैंने अब ये कवर कर दिया, पहले नहीं था। देख रहे हो भाई लाइन, देख रहे हो लाइन भाई,
हमारा नंबर आया कम से कम एक घंटे में लाइन में खड़े रहे भाई। हम तीन नवरात्र भी चल रहे हैं, नवरात्र चक्कर में थोड़ी और ज्यादा भीड़ हो रखी है। चला फटाफट था भाई बाहर, तड़के तो कुछ नहीं खा रखा, तड़के देखे कल रात तक कुछ नहीं खा रखा भाई। सबसे पहले सर कुछ खाएंगे, बात देखेंगे भाई राफ्टिंग का प्लान है या नहीं है, इनका एक बार बात करेंगे इन सबसे। कैसा लग रहा मेरा कुछ लुक ये देखो भाई, मेरे शेट ना वहाँ जब हम गए थे ना चोई गाँव वहाँ पे खो गए थे यार, तो फिलहाल ये ले लिया मैंने काम चलाने के लिए। कैसा लग रहा है लुक? ठीक है मैडम, शॉपिंग करने आई थी यहाँ पे, मैंने अपनी शॉपिंग कर ली, मैंने अपने ये शेड्स ले लिए। क्या नहीं है भाई? कॉटन खाता ला कर दूँ मैं। शॉपिंग पूरी होती कभी ना होती ना, इनकी सकती शॉपिंग पूरी ना होती भाई। वो गाइस लो जी, गेटअप देख के पता लग गया होगा कि प्लान है के ना, है ना। प्लान ये हुआ भाई कि अभी चल रहे हैं राफ्टिंग पे, मैं और पापा, बाकी कोई ना जा रहा भाई। तो अभी हम दर्शन करके आ गए थे, दर्शन करने के बाद भाई चेंज वेंज कर लिया है। अभी हमारी जो राफ्ट है ना वो यहाँ से निकलेगी आधे घंटे बाद, मतलब जो हमारी गाड़ी जाएगी और भी बंदे जाएंगे, क्योंकि हम दो ही बंदे हैं ना, दो। और भी प्रिया से पूछेंगे प्रिया जाएगी या नहीं जाएगी, प्रिया कन्फर्म नहीं है भाई। गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। अभी लंच का वेट कर रहे हैं, हमने लंच ऑर्डर कर दिया, हम लंच करेंगे और आधे घंटे में हमारी गाड़ी भी आ जाएगी, राफ्ट आ जाएगी, मतलब उसके बाद हम निकलेंगे राफ्टिंग के लिए। इनके लिए भाई मैंने कुछ गेटअप ऐसा दिया है, देखो शॉर्ट्स और सैंडो। कैसी लगी तुम्हारे भाई की फिजिक कमेंट करके बता देना। पापा का गेटअप भी देख लो भाई साथ में, बात तो करोगे दूसरे टाइम भाई। एक दिक्कत होगी, पापा लोअर लाना भूल गया यार, मैं तो सही पापा अपना दिया है ना, हिसाब किताब है ना। मतलब मैं सेकंड टाइम करूंगा भाई ये, मतलब एक बार मैंने करी थी बहुत पहले, हमारा पूरा जिम का ग्रुप आया था उस टाइम पे करी थी हमने, और अब सेकंड टाइम फिर है करी होगी, पहले करी होगी भाई, हमारे सामने तो नहीं करी पहले भाई, तो मैं कहीं लेकर आया करते ट्रा ट्रा का मार दिया करते भाई। ये देखो राफ्ट आ रही है, देखो ये देखो पीछे। अभी पापा और मैं आए थे यहाँ पे फॉर्म फिल वगैरह करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। राफ्टिंग का जो टाइम है वो है अभी एक घंटे बाद, मतलब पहले उन्होंने आधा घंटा बोला, अब एक घंटा बोल दिया, क्योंकि राफ्टिंग राफ्ट जितनी भी है ना सारी गई हुई है आगे की तरफ, वो आएंगी तब हमें पिक करेंगे, उसके बाद हमें लेके जाएंगे। फाइनली गाइस, फाइनली अपनी भाई राफ्ट आ चुकी है, देखो देर इंतजार करने के बाद आई है भाई। अभी मुँह देखेगा देख, कोयले से भी काला चश्मा नीला, तुम काला ये क्या मतलब है भाई? चश्मा भी काला तो फिर है? अच्छा तुम लाइट हो, हमें राफ्ट कराओगे? सुनो खुद तो तुम इतना कैसे हो, हमें क्या संभालोगे अगर वो पलट गई तो? ये लगाओ पहले, देखो पीछे देखो अपने पीछे गाइस, सामने देख रहे हो रैपिड ए वाला भाई साहब, देखो राफ्ट देखो वाली, वो देखो भाई पलटने वाली है बस ये देखो। पापा तो रेडी हो चुके हैं, देखो बनाओ हमारा मुकुट, हमें हमारे बाल दबा दिया आपने, कंपलसरी है वैसे, कंपलसरी है। कौन सा हाथ कपड़ा? फोन दे देंगे ना इनको, आप वाटरप्रूफ बैग है ना आपके पास, आप जूते पहन के जाएंगे गीले हो जाएंगे भाई। हमारा मुकुट आ गया हमारे पास, हमारी तलवार या भाला बोल लो कुछ भी बोल लो, सब कुछ आ गया हमारे द्वारा। अब भाई युद्ध की तैयारी करते हैं फटाफट से। भाई देख रहे हो वेव्स, देखो यार कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रहा बट लिटरली भाई ये देखो भाई साहब, टाड़ा मजा आ जाएगा। अरे अपने आप रही भाई, अब जो है ना अपना कैमरा हम रख रहे हैं भाई, क्योंकि ये करेंगे हम गोप्रो से शूट, बाकी जो भी होगा ना गोप्रो में दिखेगा आपको। बाप हमारा कैमरा रख दोगे, हम शूट कैसे करेंगे? शूट कैसे करेंगे हम? करेंगे कैसे? हमारे पास है आपके पास गोप्रो से? चलो ठीक है। सो टीम रेडी? तो इधर है पवन है, प्रिया है और सर किशन कुमार जी, तो रेडी आप तीनों? जोर से बोलिए हिप हिप। चलो टीम पैडल फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, स्टॉप स्टॉप, पैडल को सही पकड़ो आप, पैडल मत छोड़ो। हाँ चलो पैडल फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, तेज चलाओ तेज चलाओ, हाँ तेज चलाओ, वेरी गुड, तेज चलाओ 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 चलाओ, आराम से आराम से, हाथ छोड़ दो हाथ छोड़ो, हाँ पैडल चलाओ चलाओ पैडल चलाओ, ओके स्टॉप, आराम से प्रिया जी पैडल को रोकना नहीं है चलाना है, आराम से स्टॉप स्टॉप मैडम स्टॉप, प्रिया जी पैडल को सही पकड़िए,
कैसा लगा, मजा आया? चलो पैडल फॉरवर्ड। ओके स्टॉप सर, आप थोड़ा साइड में बैठिए सर। हाँ थोड़ा साइड में जाइए आप, और साइड में, ठीक है। चलो पैडल फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तेज चलाओ तेज चलाओ, चलाओ चलाओ चलाओ, तेज चलाओ तेज चलाओ। ओके स्टॉप स्टॉप। चलो फिर से फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तेज चलाओ तेज चलाओ, चलाओ चलाओ तेज चलाओ तेज चलाओ तेज चलाओ, चलाओ चलाओ चलाओ, वेरी गुड चलाओ। ओके स्टॉप। स्टॉप, चलाओ चलाओ चलाओ, थोड़ा तेज चलाओ। ओके स्टॉप स्टॉप, बस आराम से मजे लो अभी। चलो पैडल फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अरे मैं क्यों जाऊं? जाओ पवन जाओ, दादा तू तो जाओ, पहले तुम जाओ फिर मुझे पकड़ लेना आराम से। पवन को तैनात है, हां तो रस्सी पकड़ के जाओ आराम से, जाओ जाओ जाओ, वेरी गुड। हां चलो जाओ, तो आप जाओ ना, कम ऑन जल्दी। यस वेरी गुड, ये भी दे ये, थोड़ी देर में, थोड़ी देर लगता है उसके बाद यूज्ड टू हो गए ना, जैसे उनको पूछा ठंडा नहीं लग रहा होगा। जाओ इतना टाइम नहीं लगता है प्रिया जी को, जाओ जाओ जल्दी। डर क्यों लग रहा है? अरे कहाँ डर जी, आप नहीं जाएंगे? अभी मैं बाद में जाऊंगा, इनको छोड़ दे ओड़ी ला। काड़ा मजा आया भाई राफ्टिंग करके। तो पर आपको ना इन भैया से भी इंट्रोड्यूस कराए थे जिन्होंने राफ्टिंग कराई हमें। सो गाइस इनका नाम है अनूप, और किसी को भी राफ्टिंग वगैरह करनी हो या कुछ भी करना हो तो भाई इनसे एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना। कहाँ मिलेंगे? मोस्ट वेलकम यार, है ना? कहाँ मिलेंगे आप? हम यहीं पर मिलेंगे, तपोवन गोयासीन हिमालय हमारा ऑफिस है, एंड मोस्ट वेरी वार्म वेलकम टू गंगा। चलो ठीक है, तो भाई एड्रेस वगैरह बता दिया भैया ने, जिसको भी आना तो भाई कॉन्टेक्ट कर लेना एक बार भैया से। भाई लिटरली बहुत मतलब बोर नहीं होने दिया पूरी राफ्टिंग में भाई, हमने कितने किलोमीटर किया हमने? 9 किलोमीटर की, तो भाई लिटरली बोर नहीं होने दिया उसमें, मतलब हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम लगाया हमें, हाफ एन आवर से भाई मजा बांध दिया भैया ने। थैंक यू यार।